हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल SS King Detector India में। मैं आपका दोस्त संजय पासी। दोस्तों जो है आज हमारे पास बहुत ही खास कस्टमर आए हैं भिंड मध्य प्रदेश से। तो आज सर को मैं सिखाने वाला हूँ इक्विनॉक्स 600 मेटल डिटेक्टर। तो सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिस में, भारत सर। तो सर जैसे मशीन कैसे चलाना है हम आपको वो चीज़ दिखाते हैं। कैमरामैन इस साइड आ जाओ आप, है ना। आ जाइए सर, आप यहाँ पर आ जाओ। तो सबसे पहले क्या करते हैं सर, यहाँ से हम देखो साइड में दो बटन दिया रहता है, तो हम मशीन को जो है एक बार ऐसे प्रेस कर देंगे ना तो ऑन हो जाता है, ठीक है सर। हाँ, मशीन ऑन हो गया। मशीन ऑन होने के बाद अब हमें क्या करना होता है, अगर हमें ब्राइटनेस कम करना है तो साइड में दूसरा बटन भी है उसी के नीचे, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये तो हो गया साइड में बटन। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें ये सिलेक्ट करना होता है कि हमें कौन से मोड में मशीन चलाना है, ये हमें चुनाव करना होता है। ये होता है मोड का बटन, यस सर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमें ये जो मोड दिया गया है ना, यस, ये मोड हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से मोड पर चलाना है। ये देखो अभी क्या है कि पहला मोड इसका जो है क्या हुआ, तो सर देखिए सबसे पहला मोड हमारा आ जाता है पार्क है, पार्क वन होता है। तो पार्क वन पे क्या है कि अगर हमारा नॉर्मल पार्क है तो पार्क वन पे चलाएंगे। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा हल्का कूड़ा कचड़े वाला एरिया, थोड़ा पथरीला एरिया है, तो वहाँ पे पार्क टू कर दीजिएगा, ठीक है। फिर दोबारा हम एक बार दबाते हैं तो हम आ जाते हैं फील्ड वन पे। फील्ड वन है, नॉर्मल ग्राउंड है, तो आप वहाँ पे होकर वन पे चला लीजिएगा। आपको लगता है कि आप क्या थोड़ा हाईली मिलजाइज एरिया है या कूड़े कचड़े वाला एरिया है, तो उस जगह पर आप टू चला लीजिएगा, फील्ड टू, ठीक है। इसी से चेंज होता है, हाँ इसी से सारा चेंज होगा सर। ये मोड पे ही है वहाँ। और ये होता है बीच हंटिंग वन, यानी कि बीच हंटिंग का मतलब ये होगा जैसे नदी के किनारे सर्च करना है, मिट्टी गीली होती है ना नदी के किनारे, तो वहाँ पे बीच हंटिंग वन चला लीजिएगा। बीच हंटिंग टू चलाना है तब जैसे पानी के अंदर जा करके काम करना हो हमें, अगर हमें पानी के अंदर काम करना है तो बीच हंटिंग टू चला लीजिएगा। अदरवाइज आपको हमेशा चलाना है फील्ड वन पे, खेत पे ही आपको चलाना होगा। खेत में चलाना है, घर पे चलाना है, तो फील्ड वन पे ही आपको मशीन इसको चलाना है। अब देखो हमने सेटिंग कर दिया, अब यहाँ से देखो ये पल्स बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी जो है आप इसको चेंज करने के लिए, ठीक है। अभी क्या है 10 किलोहर्ट्ज़ पे फ्रिक्वेंसी है इसका, अब 15 किलोहर्ट्ज़ हो गया, ये क्या होता है। हाँ, अब वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे 4 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है तो 4 किलोहर्ट्ज़ पे क्या होता है ना, छोटी चीज़ों को छोड़ते जाएगा और बड़ी चीज़ पर टारगेट करता जाएगा, ठीक है। 4 किलोहर्ट्ज़ हो गया और 5 किलोहर्ट्ज़ हो गया। अगर आप ज़्यादा इससे ज़्यादा गहराई कवर करना चाहते हो, बड़ी चीज़ को टारगेट करना है, तो आपको 5 किलोहर्ट्ज़ चलाइए। और अगर आप चाहते हो कि जैसे सिक्के वगैरह भी इससे थोड़ा हल्का छोटा मोटा मेटल हुआ या बड़ा मेटल हुआ सबको सर्च करना चाहते हो तो 10 किलोहर्ट्ज़ पर चलाइएगा। और अगर आप ज्वेलरी हंटिंग वाला काम करना है, जैसे ज्वेलरी वाली चीज़ें जहाँ पे कुछ ऐसे जगह होती हैं जहाँ पे खेत जुताई करते टाइम भी हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है ना, ऊपर छोटे छोटे ज्वेलरी वाली चीज़ें, तो आप जो है 15 किलोहर्ट्ज़ चला सकते हो। उसके बाद मल्टी फ्रिक्वेंसी होता है, मल्टी फ्रिक्वेंसी जो है हर सारी फ्रिक्वेंसी एक बार में ही रन करती है, तो उसे हम ज़्यादातर जो है प्रेफर करते हैं कि आप 10 किलोहर्ट्ज़ पर चलाइए मशीन को, क्योंकि सिक्के वगैरह भी सर्च करना है और बड़े मेटल तो सर्च करना ही करना है ना, तो आप जो है इस पर चला लेना 10 किलोहर्ट्ज़ पर। अब क्या हो गया, मोड सेलेक्ट कर लिया और हमने फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट कर लिया। अब ये बटन आप याद कर लीजिएगा सर जी, बटन क्या होता है, ठीक है। नहीं है, अब क्या है, अब हम ये कर लिया और ये कर लिया। अब करना क्या है कि अगर हमें लोहा, ये देखो घोड़े के नाल बनी हुई ना, इसको बोलते हैं लोहा बंद करना और चालू करना। अभी देखो यहाँ पे लोहा बंद है, ठीक है। अगर मैं ये लोहा लगाता हूँ नहीं बताएगा, ठीक है। अगर इसको मैं ऑन कर दूँगा, देखो सारा ऑन हो गया, देख रहे हैं आवाज़ लोहे का, फटा हुआ ट्यून आ रहा है, बहुत स्लो आएगा, देख रहे हैं ना। अब जैसे कोई नॉन फ्रेश मेटल लगाऊंगा उसका साउंड तेज आएगा, ठीक है। नहीं तो अभी क्या है कि हम लोहा यहाँ से बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है हमें, अब हम सेटिंग के अंदर जाते हैं। ये हमारा देखो यहाँ पे नॉइज कैंसिल का ऑप्शन आ जाता है, नॉइज कैंसिलेशन है, ये पहला ऑप्शन आ जाता है नॉइज कैंसिलेशन। और सही गलत वाला बटन को एक बार दबा दीजिए, ये होता है जो आसपास के एनवायरनमेंट होता है उसको कैंसिल करने के लिए नॉइज कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये होता है ग्राउंड बैलेंस करना। कभी आप अगर हमारा वीडियो देखते हो तो हम इस वाली बटन को दबा के रखते हैं और मशीन को ऐसे पंप करते हैं ग्राउंड पे, वीडियो देखेंगे ना, इसको बोलते हैं ग्राउंड बैलेंस करना, ठीक है। ये होता है जैसे मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स का मतलब ये होगा जैसे हम कोई चुंबक ज़मीन में रगड़ते हैं ना, उसमें छोटे छोटे कण आ जाते हैं ना लोहे के, मेटल्स के कण, उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए हम ग्राउंड बैलेंस बनाते हैं, हाँ कैंसिल करने के लिए उसको, ठीक है, ताकि उस पर हमारी मशीन आवाज़ ना करे। मेटल के ऊपर कभी भी ग्राउंड बैलेंस मत बनाइएगा,
उसके बाद ये हमारा साउंड का होता है, साउंड आप अपने हिसाब से माइनस प्लस कर सकते हो, ठीक है ना। ये होता है मशीन का आवाज़। इसको हमें ये होता है थ्रेशोल्ड, इसको हमेशा 10 पे ही रखिएगा। अगर मैं प्लस करके आपको दिखाऊं तो देखो, देख रहे हैं मशीन का एक बैकग्राउंड साउंड आ गई ना, ये हमेशा ऐसे करता रहेगा, लेकिन कोई मेटल आएगा उसका साउंड अलग आएगा, देख रहे हैं आप। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको सीधा इसको जो है 10 पे ही रखना, जहाँ तक मशीन का जो बैकग्राउंड साउंड है वो ना आए, है ना। अब नहीं आए, फालतू आवाज नहीं आए। हाँ, अब इसको हमेशा 5 पे रखिएगा। अब 5 पे इसलिए रखिएगा, मान के चलो अगर मैं 1 करता हूँ, 1 पे रहेगा ना, ये ट्यून होता है, तो चाहे लोहा लगाऊंगा, चाहे सोना लगाऊंगा, चांदी लगाऊंगा, कुछ भी लगाऊंगा, तो एक ही तरह का साउंड करेगा। 2 पे रहेगा तो लोहे पे साउंड अलग करेगा, सोना चांदी तांबा पीतल हुआ तो उस पर अलग साउंड करेगा। तो इसको हमेशा 5 पे रखना है आपको, तो 5 तरीके का साउंड करेगा, लोहे पर अलग करेगा, सोना चांदी हुआ उस पर अलग करेगा, तांबा पीतल हुआ उस पर अलग करेगा, हल्का हल्का चेंज होते रहेंगे साउंड। अच्छा, हाँ। और ये हो जाता है कि आपको कौन सा मेटल चालू करना है, कौन सा मेटल बंद करना है। हमने पूरे मॉडल कितने इसमें 3 मोड होते हैं, फील्ड, बीच, पार्क, बस। ये तो मैं सेटिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ। मेटल की बात कर रहा हूँ, मेटल, मेटल तो बहुत तरीके के होते हैं सर जी। इसमें कितने भीड़ है? इसमें तो देखो मशीन है, मशीन तो हर मेटल को सर्च करेगी, चाहे सोना हुआ, चांदी हुआ, तांबा, पीतल, लोहा, हर चीज़। जितना मैंने मेटल गिनाया, इससे भी कई तरह के मेटल्स होते हैं जमीन के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये रिकवरी स्पीड होता है, इसको हमेशा 3 पर रखिएगा और यहाँ से वापस चले आइए। ये सेटिंग हो गया इसका, ठीक है सर। इतना ही सेटिंग करना है। अब अगर सपोज दैट मैं मेटल लगाता हूँ, जैसे सपोज दैट ये देखो, ये है गुटके पन्नी, ये भी मेटल ही है, इसके अंदर सिल्वर फॉइल होता है। देख रहे हैं मशीन आवाज़ कर रही ना। ज़्यादातर अधिकतर लोग इस पर परेशान हो जाते हैं, ये चीज़ कैसे बंद करना है वो हम आपको सिखाने वाले हैं, बाकी तो सब कुछ बताएगी मशीन। देख रहे हैं आप, है ना। अब करना क्या है आपको, कि हम सेटिंग का बटन दबाएंगे और सही गलत वाले ऑप्शन पे आना है, इस वाले ऑप्शन पे, ठीक है। अभी देखो कर्सर हमारा यहाँ ब्लिंक कर रहा है, देख रहे हैं आप, हम यहाँ पहुँच गए ना। अब करना क्या है कि हमें कम से कम 15 नंबर तक का हमें बंद कर देना है, इसको दबा देंगे खाली हो जाएगा, फिर प्लस से आगे बढ़ेंगे, इसको दबा देंगे खाली हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप बढ़ते चले जाइए, ऐसे खाली करते चले जाओ, देख रहे हैं आप, है ना, खाली होता जा रहा है ना। ये वो चीज़ें हैं, जैसे कूड़ा कचड़ा वगैरह हो गया तो उसको आप बंद कर दीजिए। मैं 15 नंबर तक का ऑन कर देता हूँ, अब यहाँ से फिर से ओके हो जाओ। अब देखते हैं कि हमारी मशीन इसको कैच करती कि नहीं करती, है ना। बंद हो गई, है ना। इस तरह जो है आप जिस मेटल को चाहोगे उस मेटल को बंद कर सकते हो और चालू कर सकते हो। अब अगर जैसे हम कोई भी मेटल लगाते हैं, जैसे सपोज अगर मान लो हमारे पास ये बहुत सारा मेटल है, ठीक है ना। अब ज़मीन के अंदर अगर ये मेटल्स पड़ा रहेगा तो इसको 2.5 फीट तक का मशीन कैच करी थी सर जी, ज़मीन के अंदर। अभी ये लगभग लगभग 1.5 से 2 फीट लगभग कैच करेगी, उससे ज़्यादा नहीं करेगी, ठीक है ना। अगर मैं इसी को जो है थोड़ा सा इसमें सेंसिटिविटी इसको देखूँ, इंक्रीज कर, ये सॉरी माइनस हो रहा है, सेंसिटिविटी इसका 25 होता है, ठीक है सर जी। अब जैसे ये है, देख रहे हैं आप, है ना, इतना बड़ा सामान रहेगा सर, ऐसे ही साउंड करेगी, ऐसे साउंड करेगा तभी समझना कि हाँ ये मेटल है। अब जैसे जैसे सर थोड़ा सा अगर मेटल बड़ा हो गया, देख रहे हो इसको इतने दूर तक कैच कर दिया। अब देखो गिलास तो हमें देखने में गिलास लग रहा है, गिलास बड़ा है ना, लेकिन इसका डायमीटर से जो है फर्क है, ठीक है। नहीं देखो गिलास है ना, इसको देखना, यहाँ से कैच करने लगा ना ये, ठीक है ना, थोड़ा अंतर है, हल्का फुल्का जो है आपको डिफरेंस दिखेगा। आप जैसे अगर अब मैं एक बार लोहा लगाऊं, नहीं बता रहा ना लोहा, क्योंकि हमने लोहा बंद कर रखा है, लोहा नहीं बताएगा। अब जैसे हल्का फुल्का जैसे मेटल का साइज बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे जो है इसकी डेप्थ तो बढ़ती जाएगी। अगर इतना बड़ा कोई मेटल ज़मीन के अंदर दबा हुआ तो मैक्सिमम 3 फीट तक का कैच करेगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है ना। अगर यही साउंड आए तभी वहाँ पे खुदाई करना, अदरवाइज नहीं करना खुदाई वहाँ पर, ठीक है सर जी। ये 3 फीट तक बताएगी, उससे ज़्यादा नहीं बताएगी, देख रहे हैं आप इतनी दूर से कैच कर रही है, और ज़्यादा दूर जाऊँगा तो नहीं करेगी, हल्का हल्का कर रहा है ना, हल्का हल्का,
जितना बड़ा होगा उतना। हाँ, लेकिन अब क्या है ना कि ये हवा में है, हवा में क्या होता है फ्रिक्वेंसी जो है ना ऐसे फैलती है, जानते हैं, जमीन में जब ग्राउंड बैलेंस बना लेंगे तो फ्रिक्वेंसी सीधा जमीन के अंदर जाएगी। इतने बड़े मेटल को मैक्सिमम जो है 4 फुट तक का मशीन कैच करेगी सर जी, इतना बड़ा अगर साइज जमीन के अंदर दबा हुआ है तो 4 फुट तक का कैच करेगी। अगर यही साउंड आए तभी खुदाई करना है वहाँ पर। अब खुदाई एक बैग कभी नहीं करना होता है। खुदाई करने का तरीका क्या होता है कि जैसे अगर हमारा मशीन यहाँ पर साउंड किया तो पहले हम 1x1 मीटर के ऊपर के जो है लगभग 1/2 फुट तक कचड़े को साफ कर दीजिए। कचड़े को साफ करने के बाद फिर उस खड्डे में हिल करके मशीन चलाइए। अगर आवाज़ आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा तेज हुआ आवाज़, ठीक है कि नहीं, तो फिर आप 1 फुट खड्डा करके फिर से चेक कर लो। जितना गहराई में जाओगे, जितना मेटल के नज़दीक जाओगे, उतना मशीन और ज़्यादा आवाज़ करेगा। सपोज दैट जैसे मान के चलो हल्का साउंड हो रहा था ना, थोड़ा और नज़दीक जाओ, और नज़दीक जाओ, देख रहे हैं प्रॉपर बीप करने लगा ना। जैसे जैसे मैं मेटल, अब जितना आप खड्डा करते जाओगे उतना मेटल के नज़दीक जाओगे। अगर मेटल की आवाज़ तेज हो रही है, प्रॉपर बीप कर रहा है, तब समझना कि हाँ मेटल ही है। अदरवाइज अगर सिग्नल कट कट के आ रहा है तो वहाँ पे खुदाई नहीं करना है। अगर मैं अब इसमें एक और फीचर्स भी होता है, पिन पॉइंट का दबाना एक बार बटन, बस। अब जैसे ये पिन पॉइंट हो गया सर जी, ठीक है, नहीं देख रहे हैं आप, हटा दिया ना, ये देख रहे हैं इतनी दूर से कैच करने लगा, ये होता है पिन पॉइंट। ये देखिए, देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं पिन पॉइंट। जैसे जैसे मैं मेटल के नज़दीक जा रहा हूँ, देख रहे हैं कैसे आवाज़ कर रहे हैं, है ना। अब देखो अगर मैं इसको इस साइड से भी लेकर के आता हूँ, देख रहे हैं आप फ्रिक्वेंसी ऐसे फैल रही है ना, ऐसे ऐसे जा रही है फ्रिक्वेंसी ऐसे, हैं देखो, ये देख रहे हैं आप, है ना, इतनी दूर से कैच कर रही है। तो कमरे के अंदर कभी भी काम करना है तो सारा मेटल हटा दीजिएगा कमरे के अंदर से, ठीक है, नहीं तो जो है चारों तरफ आवाज़ करेगी, फिर आप कंफ्यूज होते रहोगे यार कहाँ बता रही है मशीन, ठीक है, वो चीज़ नहीं करना। अब छोटा मेटल लगाता हूँ, इतनी दूर से कैच कर रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट पिन पॉइंट क्लियर करना। अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पर मेटल्स है तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा इससे, ठीक है। तो इस यही मेन सेटिंग होता है सर जी, बाकी इसमें और कोई भी सेटिंग नहीं है कि ऐसा जो है कुछ अलग हो, ठीक है। सबसे आसान सेटिंग मैंने आपको बताया ताकि आप आराम से इसको चला सको, सीख सको। उसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो मुझे फ़ोन कर लीजिए, पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो हमने सिखाया आपको कैसा लगा अभी आपको? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपने जी। आप क्या कहना चाहोगे जैसे अगर कोई परचेज करना चाहे मशीन वगैरह? अब ले जाए तब उसके बारे में कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों जो है आशा करता हूँ हमने जो सिखाया आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप मेटल डिटेक्टर मशीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों हमारा नंबर आपका डिस्प्ले शो कर रहा है, दिए गए नंबर पे आप कॉल करके आप चाहें तो घर बैठे मेटल डिटेक्टर मंगा सकते हैं, या जैसे सर आए हुए हैं हमारे ऑफिस आप भी आकर के देख करके ले जा सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।